ओके बच्चों, मैं यहाँ पर को क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। रोज़ लेक्चर ऐड होंगे इसमें एंड हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या कवर करेंगे, किस किस एग्ज़ाम के लिए, किस किस चीज़ों के लिए चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात तो बोर्ड थ्योरी क्लियर है तो बोर्ड एग्ज़ाम तो क्लियर होंगे ही। सेकेंड चीज़, हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। एच सी वर्मा की बुक हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। एच सी भी काफ़ी फेमस बुक बुक है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जेई मेंस प्लस एडवांस भी क्लियर होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, तो इसमें हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी इंक्लूड, ठीक है। और ये आपको रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। इसमें एक और चीज़ हम लोग करेंगे कि असाइनमेंट भी ऐड कर देंगे। एंड एक बार जैसे मैंने असाइनमेंट दे दिया, आई हैव अपलोडेड द असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास में आई कैन डिस्कस इट, उसको डिस्कस भी कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। और डिस्कशन में जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट, कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में लिखोगे आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं अपन लोग। तो काफ़ी कुछ है और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इफ़ वी डोंट स्टडी नाउ हमारा 2 से 2.5 महीना आराम से ख़राब हो जाएगा। वी शुड यूज़ इट, ठीक है। स्कूल नहीं चल रहे हैं, बहुत कम स्कूल चल रहे हैं, वो भी स्कूल वो चल रहे हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम का हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली मेन ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खुद क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज जब रेस्ट पे हो तो हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। जब चार्ज रुका हो, स्टेशनरी हो, ठीक है, विरामावस्था पे हो, देन वी आर गोइंग टू से इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब चार्ज मूविंग है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल देंगे हम लोग उसे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के भी दो पार्ट बन जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रो सॉरी मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे। तो कम से कम ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते होते 50 to 60% हमारे पास ट्वेल्थ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज के बारे में पढ़ना जब वो रेस्ट पे हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज खुद है क्या, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। अब चार्ज क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, हम लोग जैसे एटम को देखें, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन हैं और बाहर पे इलेक्ट्रॉन है। वी ऑल नो दैट इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। अब ये है क्या, किसी भी एटम से अगर हम लोग न्यूट्रल एटम है, एटम तुम्हारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, दिस विल बिकम अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाना इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और वहीं पर को हम लोग बोल दें कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से, न्यूट्रल एटम से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा प्लस
एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा. डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सो इट इज बिकमिंग व्हाट, अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ओके, ठीक है. चार्ज तो हमारे पास समझ में आ गया. सरप्लस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाना नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना पॉजिटिव चार्ज है. इफ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, तब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर को बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज चार्ज फॉलो करता है. ठीक है, ओके. अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर वन, अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, पास में रखते हैं, दे विल रिपेल. ठीक है, वो रिपेल करेंगे. अगर यहाँ पर को मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास लाता हूँ तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट. ठीक है, तीसरा बहुत सिंपल सिंपल है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लाते हैं, रिपेल करेंगे. तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं हम लोग, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस का मतलब नेचर सेम होना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट्स. बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. अब इसके बाद भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है. क्वांटाइजेशन, बच्चों नोट्स के बारे में परेशान मत होइएगा, नोट्स आल्सो गोइंग टू बी अपलोडेड. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन, अब इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि चार्ज की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, द यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट, जो कि स्टेबल भी है, स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ चार्ज इज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वो सबसे छोटा है, उससे छोटा हम लोग नहीं तोड़ सकते. और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्लास, ठीक है. अब ये कूलम इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है. तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन के ही इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि E/3 इज नॉट पॉसिबल, E/3 पॉसिबल नहीं है, E/2 इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है. मतलब E को हम लोग इससे छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते. तोड़ सकते हैं, आगे जाके हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे या फिर BSc या MSc में पढ़ेंगे क्वार्क्स, बट ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई आई हैव एडेड इन माई डेफिनेशन स्मॉलेस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. तो कोई भी चार्ज को हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे n इंटू ई, एन क्या है यहाँ पर, को इंटीजर होना चाहिए. तो बेसिकली किसी भी चार्ज को हम लोग बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, बट वी कैन नॉट से, हम लोग नहीं बोल सकते कि 100.1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, क्योंकि 0.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को हम लोग सीधे सिंपली Q = Ne से दिखा देते हैं. ठीक है, Q = Ne, तो किसी भी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर रखते हैं. ठीक है, ये n की वैल्यू इंटीजर ही होगी, बस इससे ज़्यादा और इसका कोई मीनिंग नहीं है. क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ये प्रिंसिपल तुम्हारा बोर्ड में भी पूछा जाता है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में या फिर मेडिकल एग्जाम्स में. बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इससे तो आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती.
राइट। अगर अब हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में 11th में काफ़ी यूज कर चुके होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, मीन्स टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब ख़त्म नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, हम लोगों ने क्या किया कि रॉड ले ली, रॉड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, चलो बढ़िया, एक न्यूट्रल बॉडी भी रख ली हमने। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसका मतलब ये है कि उसके बराबर ही प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब टोटल बॉडी न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन की 4 कमी है, इधर ये न्यूट्रल है, इसका टोटल चार्ज 0 है। इन दोनों को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट में लाए। अब उसके बाद हमसे बोला गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांसफ़र हुआ है। अब ट्रांसफ़र क्या हुआ होगा, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर को ना इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब इसका चार्ज कितना हो गया होगा, इसका चार्ज बच गया होगा +2e। क्यों बन गया होगा +2e, क्योंकि पहले इसके पास था +4e और इधर को 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, केवल पॉजिटिव चार्ज 2 रह गए, ठीक है, तो अब इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इसमें चार्ज आएगा +2e। लेकिन आप देखें, शुरू से ये हमारे पास सिस्टम था इनिशियली, इसके पास टोटल चार्ज कितना था इस सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, इन दोनों को मिला के इसमें चार्ज था +4e रॉड के पास, प्लस स्फीयर के पास 0, तो हमारे पास टोटल चार्ज था +4e। अब आप नेक्स्ट जो टच करने के बाद, एक दूसरे को टच करने के बाद कॉन्टैक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज कितना है, अभी टोटल चार्ज है +2e रॉड पे +2e स्फीयर पे, तो अभी भी टोटल चार्ज +4e है। तो हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज इज गोइंग टू बी सेम। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज गायब नहीं हो सकता। ओके नाउ न्यू प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से जेई में या फिर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या फिर किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार लगा चुके हैं, जैसे NaCl टूटता है क्या बनाता है, Na+Cl-, ऐसी आइडिया दे रहा हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से भी। ये न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, अब बाद में एक प्लस ई बन गया इसमें और एक इसमें माइनस ई बन गया, देखो टोटल चार्ज अभी भी इतना है इसका, 0, इसका भी 0, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर, ठीक है, चार्ज स्केलर है, ठीक है, तो सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं हम चीज़ों को, जैसे हमने बोला क्यू इज इक्वल्स टू Q1+Q2+Q3 सो ऑन। अब माइनस और प्लस क्या दिखा रहा है, फिर माइनस प्लस इसका नेचर दिखा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, इट इज़ शोइंग द नेचर, कैसा नेचर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि एक्सेस है, ठीक है, तो चार्ज इज एडिटिव या फिर इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना। जैसे हमसे बोला जाए कि एक डब्बे में, एक सिस्टम में हमने 5 प्लस कूलम डाला, फिर हमने क्या डाला, -6 कूलम डाला, फिर उसी सिस्टम में हम लोगों ने डाल दिया +11 कूलम, तो भैया इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल्स टू, हम लोग सबको ऐड कर देंगे +5-6+11, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, +10 कूलम, सिंपल, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब क्या है,
जहाँ चार्ज है वहाँ पर को मास भी है, ठीक है. इफ चार्ज इज प्रेजेंट, देन देयर इज अ मास. तो जहाँ चार्ज है वहाँ मास भी है. सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का आना जाने की वजह से ये चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के खुद के पास भी मास होता है भैया, 9.1 × 10⁻³¹ kg लगभग, ठीक है. ओके तो ये एक प्रॉपर्टी थी. अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती 11th-12th में, लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है प्रॉपर्टी. यहाँ पर कोई इसका इतना मतलब नहीं है 12th में. चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स क्या है इसका, चार्ज डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी. ये क्या बात हुई, वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता, ऐसा क्या कब होता है. सिंपल सी बात है, सिंपल बात नहीं है. ये बेसिकली एक आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी के अकॉर्डिंग, जैसे मास हमारे पास चेंज होता था, m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c², बहुत लोगों को देखा होगा, बड़े शौक से लिखते हैं कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है. रेस्ट मास बोलते हैं m नॉट को, v वेलोसिटी पे मास ये हो जाता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है. ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज फॉलो नहीं करता, मतलब चार्ज को हम लोग नहीं लिख सकते क्यू नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c², ये गलत होगा, ऐसा लिखना गलत होगा. मतलब मास जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो प्रॉपर्टी चार्ज फॉलो नहीं कर रहा, और ये हमारे 12th में है भी नहीं सिलेबस में. बट अगर कोई पूछ लेता है कि इन्वेरियंट का क्या मतलब होता है, तो इन्वेरियंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वेलोसिटी के साथ चीज़ें चेंज नहीं होती, ना ये जेई के सिलेबस में है, ना मेंस, ना एडवांस, ना ही आपके बोर्ड में, बट लोग पूछते हैं फिर भी नाम के, ठीक है. सो लीव दिस टॉपिक हेयर ओनली. बस हमें ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी के साथ चार्ज चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता, जैसे मास कर रहा है. ओके अब इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग. देखो हम लोग शुरू से बस चार्ज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और ये चार्ज के बारे में हम लोग लगातार कम से कम 3 से 4 महीने से ऊपर पढ़ेंगे. ऑलमोस्ट 50% से प्लस सिलेबस तुम्हारा चार्ज के ऊपर ही है, ठीक है. अब आती है हमारी बातें मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों को एक एग्जांपल तो सबको पता है, बायफ्रिक्शन, ठीक है. बायफ्रिक्शन, कंघी को पकड़ा, कॉम को पकड़ा, सिर में रगड़ा, सिंपल सी बात है, उसमें चार्ज आ जाता है. फिर उसके बाद हमने बचपन में खेला भी है, कागज़ के टुकड़े चिपकते हैं उसके साथ. बेसिकली दो बॉडीज़ हैं, न्यूट्रल थी बेचारी दोनों बॉडीज़, दोनों को रब किया, एक दूसरे में घिसा, फिर दोनों को अलग किया, तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में निगेटिव. अभी भी देखो टोटल चार्ज जीरो ही है, सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो ही है. तो ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है कि एक कंघी है, बड़ी गंदी कंघी है, किसी वूलन चीज़ के साथ हमने घिसा, तो कुछ चार्ज इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इस तरह से आ जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद इसे तुम किसी कागज़ के टुकड़े के सामने या किसी के सामने ले जाओगे तो इट विल अट्रैक्ट इट. तो दिस इज़ बाई फ्रिक्शन, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में घिसने से वी आर गेटिंग टू चार्ज ऑब्जेक्ट, वन इज़ पॉजिटिवली और वन इज़ नेगेटिव. लेकिन याद रखना इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, दोनों के पास चार्ज नहीं था इनिशियली. दोनों को एक दूसरे को घिसने के बाद एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल. नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट मेथड, मेथड इज कंडक्शन. नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, कंडक्शन. कंडक्शन, ठीक है, ये स्टार्टिंग चैप्टर है, बहुत शुरुआती चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्टिंग वाला पार्ट है. तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, उसके बाद चीज़ें चलेंगी जब हम लोग कूलम्स लॉ में आ जाएंगे. वी विल हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें. कंडक्शन, कंडक्शन में क्या है, इफ अ बॉडी गेटिंग चार्ज्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक बॉडी कॉन्टैक्ट की वजह से चार्ज हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर को भी तो कॉन्टैक्ट हो रहा था. लेकिन इसमें एक नई चीज़ है कि एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के सामने लाएंगे तो क्या होगा,
दोनों की दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें तीन थे, एक में दो, एक में एक, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास ये न्यूट्रल था लेकिन दूसरी वाली चार्ज थी, एंड फाइनली बोथ हैविंग द चार्ज। चार्ज का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन वाली मेथड में ऐसा नहीं था, दोनों ही न्यूट्रल थी पहले, बोथ आर न्यूट्रल, फाइनली दोनों के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, राइट। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, फ्रिक्शन वाली मेथड में दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है और इनिशियली दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। कंडक्शन वाली मेथड में एक बॉडी के पास चार्ज होता है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल रहती है, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है, अब इंडक्शन में ऐसा होता है कि एक बॉडी हमारे पास है, एक चार्ज बॉडी है, चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को लिया है। अब ये क्या करेगा, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, सब कुछ है इस बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में दोनों बराबर हैं। तो अब होगा क्या कि जो चार्ज अन्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, पास आ जाएंगे। तो अगर इधर पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इधर पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज तो भैया न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहना है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक साइड नेगेटिव बन गया और एक साइड हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ग्राउंड क्या करता है, चार्ज को ले लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसने ले लिया और हमारे पास इस बॉडी में केवल नेगेटिव चार्ज बच गया। अब इस चार्ज को हम लोग हटा दें, पॉजिटिव चार्ज को भगा देते हैं, सो स्टिल दिस बॉडी विल हैव अ नेगेटिव चार्ज जो कि पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ग्राउंड में चले गए जिसकी वजह से बॉडी चार्ज होगी। इंडक्शन मतलब, इंडक्शन का मतलब होता है कि भाई हमने जो चार्ज बॉडी है इसको न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाए ही नहीं, इसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभाव डाला दूर से बिना टच किए, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट इंडक्शन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम लोग केवल नेगेटिव चार्ज ही बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एक पॉजिटिव चार्ज ले आओ, दो स्फेयर पकड़ लो, ये भैया स्फेयर है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाओगे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों स्फेयर को अलग कर दो, दोनों स्फेयर को अलग कर दो, एक में नेगेटिव रह जाएगा, एक में पॉजिटिव। ये भी एक इंडक्शन ही है, प्रभाव डाला दूर से, ठीक है। अब इस जो ये वाला चार्ज था भगा दो, इसे किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं है इसका। तो हमारे पास एक माइनस क्यों मिल गया, एक प्लस क्यों गया, लेकिन देखो चार्ज कंजर्वेशन अभी भी है क्योंकि इनिशियली इस पूरे सिस्टम के पास चार्ज जीरो, अभी भी इस सिस्टम के पास चार्ज जीरो, ये बात क्लियर है, ठीक है। जो बात भी क्लियर नहीं है यू कैन राइट ऑन द कमेंट, आई विल आंसर, ठीक हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं पोलराइजेशन का होता है, ठीक है। एक पोलराइजेशन के ऊपर मैं एक काम करूँगा, आई विल गिव यू अ वीडियो, ठीक है, एक और वीडियो इसी के साथ अटैच करके दे दूँगा, ठीक है, पोलराइजेशन होता क्या है करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, ओके बच्चों, थैंक यू। छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ओके बच्चों।